नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं सीएसएम ट्रेड का छात्र हूँ। मैं यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई मंडी में स्टडी कर रहा हूँ। हमारे इंस्ट्रक्टर का नाम श्रीमती रंजीता जी है। हमने ये इन्वर्टर सर्किट का मॉडल बनाया है, जिसमें हमने इन्वर्टर सर्किट के साथ साथ में अपने बैटरी के लिए ऑटो कट ऑफ चार्जर सर्किट भी जोड़ा हुआ है। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली देखेंगे। इसमें हमने 12 वोल्ट डीसी बैटरी की मदद से उसको अपने इन्वर्टर सर्किट की मदद से, जिसका रूपरेखा कुछ इस हिसाब से है, इसकी मदद से हमने अपनी डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करा है। और अब साथ में हमने इसमें ऑटो कट ऑफ चार्जर सर्किट को भी जोड़ा हुआ है, ताकि जिस समय हमारी बैटरी यूज हो रही होगी तो उसको डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा से चार्ज करने के लिए उसको इन्वर्टर सर्किट में जो चार्जर है उसकी मदद से इसको चार्ज किया जा सके। अब हम इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। जैसे ही हम अपनी एसी सप्लाई को ऑन करते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर सर्किट में बल्ब लगा हुआ है वो एसी सप्लाई पे चलना शुरू कर देता है, और साथ में हम अपनी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं अपने इन्वर्टर चार्जर सर्किट की मदद से। अब हम जिसमें जैसे ही चार्जर जोड़ते हैं बैटरी में, तो हमारी बल्ब एसी में एसी सप्लाई पर भी चल रहा है और साथ में हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। परंतु जैसे ही हमारी एसी सप्लाई अगर कट हो जाती है, जैसे कि हम स्विच बंद कर देते हैं, तो हमारा बल्ब देखिए बिना बुझे एसी सप्लाई पे चल रहा है, जो कि डीसी से एसी में कन्वर्ट होकर इसको मिल रही है हमारे इन्वर्टर सर्किट की मदद से। अब जैसे ही दोबारा से हम एसी सप्लाई चालू करते हैं तो हमारी बल्ब नॉर्मली एसी सप्लाई पे चलना शुरू कर देता है, और साथ साथ में अपना ऑटो कट ऑफ चार्जर सर्किट की मदद से ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है। और इसमें ये फंक्शनैलिटी भी है कि जैसे ही हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये जो LED यहाँ रेड कलर की जल रही है ये ऑफ हो जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि बैटरी जब फुल चार्ज हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, इसको चार्जिंग मिलना। और अब हम सर्किट के यूजेज के बारे में समझेंगे। जैसे कि आजकल हर जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम का ट्रेंड चला हुआ है, तो आजकल कंप्यूटर्स को एसी सप्लाई तो मिल जाती है, परंतु अगर एग्ज़ाम के बीच में आपकी एसी सप्लाई कट हो जाती है तो आपका सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, जिसको हम अपने इन्वर्टर सर्किट का इस्तेमाल करके जो है एग्ज़ाम के दौरान भी अपनी, जैसे कि बल्ब जल रहा है बिना रुके, जैसे कि सप्लाई बंद होने के बाद ये जल रहा है, वैसे हमारा PC भी बिना रुके चलता रहेगा और हमारा एग्ज़ाम भी अच्छे से हो पाएगा।